दोस्तों प्यार भी बड़ी गजब की चीज होती है। ये ना रिश्ते देखता है और ना ही नाते, ये तो बस किसी से हो जाता है। आज की कहानी में रिश्तों की मान मर्यादाओं को तोड़कर एक महिला ने अपने ही दामाद को ठुकाई ऑपरेटर के रूप में नियुक्त कर लिया था और हर रात उसके बिस्तर पर जाकर अपनी हवस मिटाने लगी थी। जब एक रात महिला की बेटी ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया तो उसके बाद जो हुआ आपको देख लो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऐसे अफेयर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों ये चढ़ती जवानी और बेलगाम हवस की कहानी मध्य प्रदेश के सागर जिले से निकलकर सामने आई है। यहाँ के रहने वाले राम लखन की शादी 5 साल पहले प्रीति नाम की महिला से हुई थी। शादी के 3 साल बाद प्रीति बीमार रहने लगी और उसे आराम नहीं मिल रहा था, जिसके चलते उसका पति राम लखन बेहद परेशान रहने लगा, क्योंकि घर में अकेले रहने के कारण उसका दिन चौका बर्तन और पत्नी की देखभाल में गुजर जाता था। इसलिए राम लखन ने एक दिन सासू उर्मिला को पत्नी की देखरेख के लिए अपने घर बुला लिया। इस बीच उर्मिला अपनी बेटी की पूरी ख्याल रखने लगी और दामाद राम लखन भी अपने काम पर जाने लगा। लेकिन इस बीच सास उर्मिला को बेटी के घर आए हुए कुछ ही दिन बीते थे कि उसकी जवानी उफान मारने लगी और उसे जिस्म की भूख सताने लगी, जिसके चलते वह बेहद परेशान हो गई और परेशान होकर एक रात अपने दामाद राम लखन के बिस्तर पर पहुंच गई है और बगल में लेटकर उसी नागिन की तरह लपट गई। कमरे में अंधेरा था। राम लखन समझा कि मानो हमारी पत्नी आ गई है। वह सासू को पत्नी समझकर अंधेरे रूम में 61-62 करने लगा। काफी दिनों बाद राम लखन का बिस्तर गर्म हुआ था, इसलिए वह बिना रुके बिना थके लगातार छक्के पर धक्का और छक्के पर छक्का मारता रहा। अगर इस दौरान उसकी सास उसके परफॉर्मेंस को देखकर खुद पर संयम नहीं रख पाई और वह भी उछल उछल कर काम भरी आवाजें निकालकर फुल मजा लेने लगी। अब जैसे ही राम लखन ने अपनी सास उर्मिला के मुंह से आहू की आवाजों को सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह तुरंत बिस्तर से नीचे उतर कर सास उर्मिला के सामने हाथ जोड़कर गड़गड़ाने लगा। तभी उसकी सास उसे दोबारा से अपनी बाहों में भर लिया और मुस्कुराते हुए बोली, डरो मत, जो कुछ हो रहा है वह सब हमारी मर्जी से हो रहा है। आखिर तुम्हें भी तो उस चीज की जरूरत है जो चीज आज मुझे जरूरत है, तो फिर इसमें डरने वाली क्या बात है। जब तक हमारी बेटी ठीक नहीं हो जाती है तब तक उसकी कमी को मैं पूरी करती रहूंगी। तुम्हें अपनी पत्नी की कमी महसूस नहीं होगी और मुझे अपने पति की कमी महसूस नहीं होगा। दामाद राम लखन काफी दिनों से प्यासा था। वे अंदर ही अंदर सोचने लगा, जब एक बार हमारा मिलन हमारी सास से हो ही गया है तो क्यों ना पत्नी की कमी को पूरा कर लिया जाए। ऐसा सोचकर दामाद राम लखन फिर से अपनी सास को बिस्तर पर लिटा दिया और उसकी बढ़ते हुए जिस्म की भूख को शांत करने लगा। दोस्तों जब एक अवैध संबंध बन गया तो हर रात सास दामाद के बिस्तर पर आकर अपनी बेटी की कमी को पूरा करने लगी थी। इस तरह दामाद और सास का यह रिश्ता लगातार धरने से आगे बढ़ने लगा। सास भी अपने पति की कमी को दामाद के साथ पूरी करने लगी और उधर दामाद भी अपनी बीमार पत्नी की कमी को सास के साथ पूरा करने लगा। मगर एक रात जब राम लखन की पत्नी प्रीति लघुशंका करने के लिए अपने बिस्तर से उठी तो माँ को पति राम लखन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में जिस्म की प्यास बुझाते हुए देख लिया, मगर वे कुछ नहीं बोली और सुबह होते ही इस बात की जानकारी अपने पिता और भाई को दी, जिसके बाद प्रीति के पिता प्रीति के यहाँ पहुँच कर अपनी पत्नी उर्मिला को वापस घर ले आए। मगर कहते हैं दोस्तों, जब एक बार किसी स्त्री को किसी पराए मर्द की लत लग जाती है तो वह जल्दी छूटने का नाम नहीं लेती है। ठीक ऐसे ही अब उर्मिला अपने घर पर रहकर मौका देखकर दामाद राम लखन को घर बुलाकर उसकी प्यास बुझाने लगी थी, जिसके चलते धीरे धीरे उर्मिला का पति बेहद परेशान हो गया और परेशान होकर एक दिन पंचायत बुला ली। पंचायत में उर्मिला अपने दामाद राम लखन के साथ रहने की जिद पर अड़ गई, क्योंकि वे उसके पप्पू की दीवानी हो चुकी थी। पंचायत वालों के बार बार समझाने पर जब उर्मिला और उसके दामाद नहीं माने और अपनी जिद पर अड़े रहे तो मुखिया ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आई तो देखा दोस्तों, एक माँ ने अपनी जिस्म की भूख मिटाने के लिए अपनी ही बेटी का बसा बसाया घर बर्बाद कर दिया और दामाद सास के पवित्र रिश्तों को शर्मसार कर दिया। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि अवैध संबंधों का अंत हमेशा बुरा होता है, इसलिए आप अपराधी मानसिकता को समझें और सतर्क